देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। आज का हमारा मौजू सुखन 23 मार्च का वो अजीम शान दिन है कि जिस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। 23 मार्च का वो दिन जब अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निजात के लिए करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान और उसमें बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और इस करारदाद की रोशनी में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह ने सियासी फहम व फरासत यकीन महकम से दुनिया के नक्शे पर एक नई मुमलिकत का इजाफा किया, जो बरे सगीर के मुसलमानों की अहम और अशद ज़रूरत थी। कौमी ज़िंदगी के बाज लम्हात बड़े फैसला कुन होते हैं। ऐसा ही एक लम्हा मुसलमाना ने बरे सगीर की ज़िंदगी में 23 मार्च 1940 को आया, जब लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब एक वसी मैदान में लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए, जिसकी तायद तमाम मुसलमानों ने दिलो जान से की, जिससे उनकी किस्मत का पासा पलट गया। अक्टूबर 1946 में अबूरी हुकूमत कायम की गई, जिसमें मुसलमान नुमाइंदगान की क़्यादत लियाकत अली ख़ान ने की और हुकूमती ऐवानों में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तहफ़ और क़याम पाकिस्तान के लिए सियासी जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम फसादात ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा था। 30 जून को तकसीम हिंद के मंसूबे का ऐलान किया गया। इस तरह 14 अगस्त 1947 को वो मुमलिकत दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई जो मुसलमानों के दिलों की आवाज़ थी। 23 मार्च का दिन हर साल अहले पाकिस्तान को इस जज्बे की याद दिलाता है जो क़याम पाकिस्तान का बाइस बना। आइए हम अहद करते हैं कि मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान की जुग्राफी और नज़रियाती सरहदों के तहफ़ के खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। दुआ गो हैं रब्बे जुलजलाल हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और दिन रात तरक्की की राह पर गामजन करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।